ओम नमः शिवाय। लाइव सरल सामग्री में आपका स्वागत है। इस विधि में बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, छोटे से छोटा दुश्मन क्यों ना हो, अगर आप इस विधि को करते हैं तो आपके कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि ये इतना प्रचंड और कारगर विधि है। जो हम आपको विधि बताएंगे, अगर उस विधि द्वारा आप करते हैं, आपके एक भी दुश्मन नहीं होंगे और आपके सभी मित्र बन जाएंगे। अगर आपके घर में, आपके किसी कार्य में बाधाएं या लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर आप इस विधि को करते हैं तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले मैं सभी साधक साधी को बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, क्योंकि आधी वीडियो देखने से आधी अधूरी विधि आपको समझ में आएगी। हमारी पूरी वीडियो में छोटी छोटी बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं। अगर यदि एक भी बात आपकी छूट जाती है तो आपकी वो विधि काम नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है, आपने रोज एक समय सेट कर लें जो आपको अच्छा लगता हो। यदि कोई साध्वी कर रही है तो वो तो अपना सारा कार्य समाप्त करने के बाद वो दिन में भी कर सकते हैं, और जो साधक हैं वो अपने जॉब से आकर वो शाम के समय इस विधि को कर सकते हैं। यदि कोई भी अपने दुश्मनों को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहता है तो वो इस विधि को जरूर करेंगे। इस विधि में ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपने रोजाना एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, मगर ध्यान रहे यदि आप जिस दिन से प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे आपने 7 से 9 का टाइम निकाला है, तो आप 7 से 9 ही रोजाना करेंगे। आप एक समय आप बांध लें जिस समय आप करना चाहते हैं, और रोजाना आप इस हनुमान चालीसा को पढ़ें। आपके जितने भी दुश्मन होंगे, यदि कोई आपसे कोई खींचता भी है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ते हैं जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे कोई नहीं तोड़ सकता। आपने सुना या देखा भी होगा कि जब कलयुग हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो वो उल्टे पांव भाग जाते हैं, वो उनके नाम से ही बहुत ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आप यदि अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहते हैं, आप इस सरल सी विधि को कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जितने भी दुश्मन होंगे वो आपसे मित्र की तरह बातें करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से रहेंगे। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सभी साधक साध्वी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसी छोटी छोटी विधियाँ लेकर आते हैं जिससे यदि आप रोजाना करते हैं तो आप अपने बहुत से कष्टों को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।